अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। जी अभी है सहरी का टाइम, तो मैं रख रही थी रोज़ा, और बेटे ने भी रोज़ा रखा है और उसने पराठा और दही खाया है और साथ में लस्सी, और मैंने नाश्ता कर लिया था और चाय बना के लाई हूँ अभी, और अभी मैं चाय पीऊँगी। यहाँ पे जी बच्चे जा रहे थे स्कूल और बार बार कह रहे थे अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। जी यहाँ पे बच्चे चले गए थे अभी स्कूल, और मैं आज सुबह उठ गई थी जल्दी और गैस आ रही थी, तो मैंने कहा गोश्त उबाल करके रख लेती हूँ। और ये किस लिए उबाल किया है ये मैं आपको शाम को अफ्तारी के टाइम बताऊँगी। यहाँ पे दिया जी हमने पौधों को पानी, और पौधों को खुश्क हो रहे थे वो, तो हमने कहा हम इनको पानी दे देते हैं। और अभी हम मशीन घुमाएंगे, कपड़े धोएंगे, और कपड़े हम जो है हफ्ते में 2 दफ़ा धो लेते हैं। यहाँ पे फिर हम धो रहे थे कपड़े, ये आखिरी मशीन रह गई थी। बच्चे जब स्कूल से आए तो उनका यूनिफॉर्म था, तो मशीन चल रही थी शोरगुल से। ये जी है बंद गोभी है, कद्दूकश की है, और ये खीरा है, ये भी कद्दूकश किया है, ये चीज़ है, ये भी हमने कद्दूकश कर ली, और ये आलू हैं कल वाले, और ये चिकन जो मैंने सुबह बॉयल किया था, आपको बताया था कि मैं सुबह बॉयल कर रही थी, किस लिए कर रही थी, ये है एग, ये भी बॉयल किए हैं, और ये भी हमने कद्दूकश कर लिए हैं। हम इन सब चीज़ों को करेंगे मिक्स। ये चिकन डाल दिया, आलू डाल दिए, ये चीज़, ये खीरा, ये बंद गोभी, और ये डाल दिए हमने एग, अंडे और डंडे। ये जी हम इसमें काली मिर्च डालेंगे सिर्फ 1 चम्मच, नमक भी 1 ही चम्मच डालेंगे हम इसमें। ये है मायोनीज, ये भी हम डालेंगे। ज़्यादा तो नहीं डालेंगे, हमें इतनी पसंद नहीं है, बस थोड़ी सी डालते हैं हम मायनीस। बच्चों को तो बहुत पसंद है, वो तो खा लेते हैं, और हमने थोड़ी सी डाली है इसमें। अभी ये यही फिलिंग हम रोल में भी डालेंगे। आज हमारी समोसों से है छुट्टी, कल इंशाल्लाह बनाएंगे। ये हमने फिलिंग बना ली है, अभी ये सैंडविच में भी डालेंगे और रोल में भी यही हम फिल करेंगे, और ये बहुत अच्छी बन गई है, बहुत ही मज़े के बनेंगे सैंडविच। करने लगे हैं फिलिंग, ये ब्रेड मैंने काट ली थी, और ये मायोनीज है, इसको हम हल्की हल्की लगा के और इसमें अब करेंगे फिलिंग। ये देखें जी मायोनीज लगा रहे हैं, बिल्कुल हल्की हल्की लगाएंगे और साथ में इसको चम्मच के साथ हिला लेंगे। और ये आ गया इसमें मसाला जो हमने बनाया है अभी, बहुत ही अच्छा बना है। आप भी घर में बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए। ये हो गया जी प्रेस, अभी हम इसको थोड़ी देर के बाद तवे पे हल्का हल्का करेंगे फ्राई। सैंडविच वगैरह जो हैं घर में बहुत ही मज़े के बन जाते हैं, चाहे मशीन में बनाएं तो चाहे ऐसे बनाएं, ये भी अच्छे बनते हैं, और मशीन वाले जो हैं वो भी बहुत ही मज़े के बनते हैं, हल्के फुल्के से होते हैं, चाय के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं वो। और साथ में हम बनाएंगे रोल, इसी के रोल बनाएंगे हम। अभी इसके हम हल्का हल्का सा ऑयल लगा के, मक्खन तो हमारे पास नहीं है, ऑयल है, हल्का हल्का लगा के फिर हम तवे पे जो है ना इसको हल्का हल्का सा गर्म कर लेंगे। और ये हमारे बन गए हैं जी बेहतरीन से VIP सैंडविच। जी फिर हम इनको कर रहे हैं कट, कट करके हम इनको थोड़ी देर रखेंगे, फिर हम तवे पे थोड़ा सेक लेंगे इनको। ये जो हमारी पट्टी है ना वो थोड़ी सी हो गया ख़राब, थोड़ी सी फट गई थी, तो
तो मैंने इसको कर लिया है फोल्ड। अभी हम इसको भरेंगे और बनाएंगे रोल। ये हम आटा लगाएंगे साथ, ऐसे फोल्ड हो जाएगा ये। बहुत ही अच्छे बनते हैं घर में, तो बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। बाजार के इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन घर के बहुत अच्छे होते हैं। घर में जो है वो साफ सुथरी चीज़ होती है, बाजारी थोड़ी सी सही नहीं होती इतनी। इसे बोले ये जो फट गई है ना, ये हम इसको ऐसे करेंगे फोल्ड। ये जी हम इसको कर रहे हैं फोल्ड। ये लगेगी ये लई, आटे की हमने बनाई है लई, मैदे की इतनी खास नहीं होती। ये हमारा बन गया बेहतरीन रोल। पपाया आया है अभी, और थोड़ा सा कुछ और सामान भी आया था साथ, तो ये हम पपाया काटने लगे हैं। और ये मुझे बहुत पसंद है, और सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, और आप भी खाया करें। ये अभी मैं काटती हूँ। इसका जो बीज अंदर वाला होता है वो बहुत ही प्यारा लगता है, अंदर से जो बीज निकलता है बहुत ही अच्छा लगता है वो। ये देखते मैं अभी काटती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जो अगर हुआ तो। बार दफ़ा नहीं भी होता बीज इसके अंदर। बोलो ये जी हम अभी काटने हैं, फिर इसको हम काटेंगे। ये देखें जी, इसमें हल्का सा बीज है, ज़्यादा नहीं है। किसी में ज़्यादा होता है और किसी में बहुत कम होता है, लेकिन होता बहुत मज़े का है। ये थोड़ा सा गला हुआ भी है, वो मैं थोड़ा सा छोड़ रही हूँ। ये मैदे के लिए और सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आप भी इस्तेमाल किया करें। ये जी हम इसके अंदर ही रख के इसको कट कर लेंगे, और इसके ऊपर लगाएंगे काली मिर्च, और साथ में थोड़ा सा नमक लगाएंगे, और फ्रिज में रख देंगे इसको ठंडा होने के लिए, फिर अफ्तारी में हम खाएंगे इसको। क्या था, और हमने इसके ऊपर काली मिर्च और नमक डाल दिया है। अब हम इसमें रखेंगे फ्रिज में। फ्रिज में हम कर रहे थे हम सैंडविच फ्राई। हल्का सा हमने तेल डाला है इसमें, और ये हल्के से हम इसको कर लेंगे फ्राई। जब फ्राई हो जाएंगे फिर आपको हम दिखाते हैं। ये जी हमारे बन गए थे रोल भी, हमने रोल भी फ्राई कर लिए थे अफ्तारी का होने वाला टाइम। और यहाँ पे जी हमने सैंडविच भी बना लिए थे, हल्के से हमने फ्राई किए हैं, और साथ में हमने खीरे लिए काटे हैं, जो क्योंकि दिल कर रहा था खीरे खाने को जी। अफ्तारी में अभी थोड़ा सा टाइम रह गया है जी। ये हमारी होगी अफ्तारी तैयार, और हम करने लगे हैं अफ्तारी। और अफ्तारी में खजूरें, रोल और माल्टे और सैंडविच और है जामे शीरी। और अपनी दुआ में याद रखिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।